ओ भाई लाइट देखो इसकी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं और अभी 5-10 मिनट में मेरे को नवीन को कहीं जाना है, मतलब कि स्पेशल कोई काम जाना है, कुछ सामान लेके आना है। हम ना हमारा म्यूचुअली पीसी बिल्ड करवा रहे हैं, मतलब कि पार्ट्स मंगवाए थे ऑनलाइन, तो वो किसी दोस्त के घर पे डिलीवर हुए थे, तो उसके घर से लेके आने हैं। और हाँ, हम पीसी बिल्ड करवा रहे हैं, गेमिंग पीसी। सो नवीन आ जाता है, उसने मेरे को बोल दिया कि बस मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तो 5 मिनट में आने वाला है, सो निकलते हैं। हाय ब्रो। तो भाई अपने को सुबह सुबह नवीन भाई मिल गए हैं। नवीन भाई तो कुछ नमस्कार कर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम सीधे डायरेक्टली चलते हैं दोस्त के घर पे, जहाँ से हम पीसी लेके आएंगे और हमारे घर पे बिल्ड करेंगे, हमारे जुगाड़ स्टूडियोज में, जो कि आप हाँ जानते हैं। सो गाइस फाइनली, तो गाइस टाइम हुआ है, 7:45 हो चुके हैं, तो अभी हम घर जाके रेडी होके आते हैं, फिर इसको करते हैं असेंबल। सो बी रेडी। सो गाइस फाइनली बी आर रेडी, मैं नवीन घर पे आ चुका हूँ रेडी होके। सो चलिए शुरू करते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. अब हम एक-एक करके पार्ट्स देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या क्या। ये हमारे पास 8-8 GB की 2 RAM की चिप, जो कि हमारे कंप्यूटर को अलग अलग सॉफ्टवेयर रन करने में मदद करेंगे। इसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर का स्केलेटन, जो कि है मदरबोर्ड। इसी पर हमारी सारी चीज़ें फिट होंगी और सभी पार्ट्स लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ढंग से चल पाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर का दिल, जो कि है इंटेल का i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर, जिसमें 6 कोर और 12 थ्रेड है। इसके बाद हमारी सबसे पावरफुल चीज़ और सबसे महंगी चीज़, ये भाई साहब इतनी महंगी है कि इसमें से बहुत सारे पार्ट आ सकते हैं इस अकेले के खर्चे से। ये है एनवीडिया का GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड, और इससे हमारी सारी गेम्स स्मूथली चल पाएंगी काफी अच्छे रिफ्रेश रेट के साथ। अब इस तरफ पावर सप्लाई, ओ माय गॉड भाई साहब, बहुत भारी चीज़ है ये, सबसे भारी चीज़ हमारे पास यही है। और ये है कोरसेयर का CV550 वोल्ट्स की पावर सप्लाई। इसके बाद हमारे पास SSD है, और जैसे कि हम जानते हैं आजकल स्टोरेज के लिए लोग SSD लेते हैं, जो कि कंप्यूटर के हर प्रोग्राम को जल्दी रन करने में, कंप्यूटर को तेज बूट करने में हेल्प करती है। यह है 500 GB की WD Blue की। सो यार ये होम स्वीट होम है एक तरह का, इसके अंदर यार सारी चीज़ें फिक्स कर देंगे बड़े अच्छे से यार, और मदरबोर्ड वगैरह, ग्राफिक कार्ड, रैम वगैरह सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर आ जाएंगी, और फील उठाएगा हमारा घर पर आ रही। पार्ट्स थे पीसी से रिलेटेड, तो सारी हमने आपको जितनी ब्रांडिंग की थी, में जो काम करते हैं उसको बता दिया है। तो सीधा इसको असेंबल करके आपको सारा पीसी डायरेक्ट दिखाते हैं आपको। तो गाइज हमारा जो CPU है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेटअप हो चुका है। सो भी एक बार चेक कर रहे हैं कि चल नहीं रहा है क्या, कंप्लीट सेटअप एक बार आपको दिखाएंगे। ओ भाई लाइट देखो इसकी। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी लाइट भी चेंज हो सकती है और हो रही है, अब इसमें रेड हो गई, अब जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन वगैरह सब इसमें है, पीछे वाले में भी हो रही है वैसे ही। सो काफ़ी महंगा हमने ये पीसी बिल्ड करवाया है, इसकी जो कॉस्ट है आपको लास्ट में बताएंगे। सो गाइस फाइनली हमारा जो पीसी है वो मतलब ऑप्टिमाइज हो चुका है, सेटअप हो चुका है। सो अब आपको उसको चला के दिखाते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा ये CPU है ये कैसे रंग बिरंगी बत्ती छोड़ रहा है, और ये अपनी है मॉनिटर स्क्रीन। तो गाइस जो हमारा पीसी है इसको ऑन करके देखते हैं। तो चलिए, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो जो पीसी ने हम हमारा वेलकम कर दिया है, तो ऐसा कुछ शो होता है स्क्रीन पे और डिस्प्ले पे। तो चलिए इसमें कुछ छेड़ के देखते हैं। और गाइस सबसे बेस्ट चीज मेरे को इसमें लगी
जो ये चीज़ है वो इतनी कलरफुल और बढ़िया चीज़ है। जब पीसी गर्म हो जाएगा यानी सीपीयू गर्म हो जाएगा तभी ये मतलब जो इसके फैन लगे हुए हैं तभी घूमेंगे, अदरवाइज अभी इसमें कुछ हमने GTA जो गेम है हमारा जो प्रोजेक्ट आने वाला वो इसमें हमने मतलब इंस्टॉल की थी बट वो इसमें होने थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी इसमें कुछ इतने खास कुछ है नहीं चलाने को। सो अभी तो इसमें बस ऐसे कुछ छेड़ के देख लेते हैं बाकी कितना हो। और गाइस काफ़ी महंगा पड़ चुका है ये पीसी, काफ़ी महंगा। आप ये बक्सा देख रहे हो ना, इसमें सिर्फ 70,000 रुपये सिर्फ इस मतलब इस बॉक्स में लगे हैं कैबिनेट में। ये पूरा जो सीपीयू है 70,000 रुपये में बन के तैयार हुआ है। इसके अलावा माइक अलग है, मॉनिटर अलग है, कीबोर्ड माउस मतलब कि 5 आइटम अलग से पड़ी है अभी, और इसमें हमारे 80,000 रुपीज़ लग चुके हैं। और गाइस जो हम सुबह से इतनी मेहनत कर रहे थे सिर्फ ये तो ये सीपीयू है इसको बिल्ड करने में, इसको तैयार करने में हमारा इतना सारा टाइम गया, इसको ही बिल्ड करने में गया है। सो काफ़ी आप देख सकते हो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, अंदर सब दिखता है। और इसका एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उसका गेट है ना सॉरी काफ़ी ज़ोर से खोल दिया, ऐसे ये खुल जाता है और ऐसे ये बंद भी हो जाता है। इसमें यहाँ पे मैगनेट लगा हुआ है और काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अगर मान लो कुछ चिप वगैरह कुछ हार्ड डिस्क वगैरह कुछ लगानी हो सो वो यहाँ पे आराम से लग सकती है। यानी कि जो हम चाहते थे और जो ट्रेंड के हिसाब से जो चीज़ चल रही है मार्केट में वही हमको मिली है, इस बात की मेरे को बहुत खुशी है। तो नवीन भाई अपना PC बिल्ड हो गया है तो अब क्या, अब तो बस एक ही चीज़ बची है, पार्टी। कोई ना 50-50 फिर तो। ये क्या बात हुई, PC फिर तो PC 50-50 आधा काट के ले लूं। अरे भाई PC में सारे पैसे लगे भाई अब एक अच्छी जगह काफी वहाँ चलते हैं, मोमोस खा के आते हैं, कॉकटेल मोमोस। चलिए तो गाइस हम आए थे मीमो वाले के पास, हमारे जो कॉकटेल मोमोस हैं देख लो आप देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं दूर से। तो अब हम इनको सीधा चेपते हैं और इंजॉय करते हैं आज, खत्म करते हैं आज भाई, फुल पार्टी चल रही है। दे मोमोस भर के हो जाएंगे। तो गाइस अभी घर जा रहे हैं, खाना पीना हो गया, हम निकलते हैं। तो गाइस फाइनली घर आ गया हूँ और काफ़ी मज़ा किया हमने पूरे दिन। सो फाइनली हमारा PC बिल्ड हो गया, सारा PC सेटअप हो गया है। वो हमारा दोस्त सनी उसके घर पे हमने उसको रखा हुआ है ताकि हम कुछ नया गेमिंग से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने PC बिल्ड करवाया है जिससे आपको अच्छी अच्छी गेमिंग से वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइज़।